गुड मॉर्निंग हिमाचल, चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। गुड मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बहारा यूनिवर्सिटी। लकड़ी के शेड में लगी आग, चार गाड़ियां व अन्य सामान राख। किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, किन्नर कैलाश पर्वत भी बर्फ से ढका। मांगे ना मानी तो उखाड़ कर फेंक दी जाएगी जयराम सरकार की सत्ताधारी कुर्सी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जताया रोष। साहब भवन नशेड़ियों व झाड़ियों से बचाना है तो किसी विभाग या पंचायत के सुपुर्द कर दो। सुजानपुर महाविद्यालय के स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत छात्रों की काउंसलिंग। और अब खबरें विस्तार से। जिला कुल्लू के खराहल घाटी के काईस पंचायत की पहाड़ी पर स्थित सौर गांव में एक लकड़ी के शेड में आग लग गई। आग के कारण लकड़ी के शेड में रखी एक ऑल्टो कार, मारुति वैन, वोलेरो जीप व मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए हैं। इसके अलावा शेड में रखा गया राशन व बिस्तर भी आग की चपेट में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह शेड तीन भाइयों का था जो संयुक्त रूप से इसका इस्तेमाल करते थे। कुल्लू पुलिस को शिकायतकर्ता गंगा ठाकुर ने बताया, बीती रात उन्हें सूचना मिली कि उनके लकड़ी के शेड में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन थोड़ी ही देर में चार वाहनों के साथ अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा का कहना है, कुल्लू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना में करीब 30 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। बीते कई दिनों से जिला किन्नौर में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब समूचा जिला ठंड की चपेट में आ गया है। सोमवार मध्यरात्रि के बाद किन्नौर जिला की कई ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस दौरान किन्नर कैलाश सहित जांस्कर की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। भले ही इस दौरान बर्फबारी ने आबादी वाले क्षेत्र में दस्तक नहीं दी है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। जिला किन्नौर में बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जिला के कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। प्रशासन ने भी इस दौरान लोगों को अनावश्यक खतरे वाले क्षेत्रों में न जाने की हिदायत जारी की है। खंड इंदौरा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भारी संख्या में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर इंदौरा में रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ठाकुर ने किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार मदन लाल के माध्यम से सरकार को 15 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार को भेजा। इस मौके पर सुनीता ठाकुर ने संबोधन करते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे न मानी तो पूरे प्रदेश की 1 लाख कार्यकर्ता 29 सितंबर को शिमला में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगी। फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी तो जयराम सरकार की कुर्सी उखाड़ देने की भी रणनीति तय करेंगे। मैं ये सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया अपना कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमने 29 नवंबर को शिमला में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो सरकार को हमारा मांगे पूरी माननी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानती तो हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो शिमला में होने जा रहा है 29 नवंबर को। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमारी जितनी भी बहनें हैं वो 1 लाख से ऊपर हम शिमला में अपनी रैली करने जा रहे हैं 29 नवंबर को। सर बिल्कुल, अगर हमारी सरकार हमारी 7,000 और 3,000 में हमारी लड़कियों के चूल्हे नहीं जलते वो सरकार भी जानती है। साहब भवन को नशेड़ियों व झाड़ियों से बचाना है तो किसी विभाग या पंचायत के सुपुर्द कर दो। विभागीय लापरवाही के चलते लाखों का भवन मिट्टी में मिल रहा है। बात रक्कड़ भेड़ी में स्वास्थ्य विभाग के पुराने भवन की है जो झाड़ियों से घिरा हुआ नशेड़ियों की शरण स्थली बनता जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बना तो पुराने भवन को दयनीय हालत में छोड़ दिया। आवाज उठाने पर पुराने भवन को सुधार दिया गया। टूटी खिड़कियां दरवाजे से लेकर छत भी नई हो गई, पर झाड़ियों को हटाना भूल गए। आलम यह है कि उक्त भवन झाड़ियों की आगोश में है, जबकि एक तरफ मिट्टी के ढेर भवन को ढके हुए हैं। यही नहीं, असामाजिक नशेड़ी तत्वों ने भवन के नव निर्मित शौचालय का दरवाजा
व दूसरी मंजिल का दरवाजा तोड़ डाला है। परवाह किसी को नहीं, यहाँ नशेड़ी नशे का सेवन करते हैं। लोगों की मांग है कि इस भवन को स्वास्थ्य केंद्र या बिजली विभाग को ही दिया जाए ताकि कम से कम भवन सुरक्षित रहे। राजकीय महाविद्यालय सुजानपुर टिहरा में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 160 छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की गई। महाविद्यालय की कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर विभा ठाकुर ने बताया कि महाविद्यालय के छात्रों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वे पढ़ाई के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण भी लेंगे, जिससे उन्हें भविष्य में बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया यह काउंसलिंग प्रक्रिया 2 दिन तक चलेगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रशिक्षण समन्वयक अश्विनी शर्मा और जिला समन्वयक हमीरपुर मीनाक्षी ने चयन प्रक्रिया के साथ छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की।